रविवार से प्रारंभ हो रहे माता के नव दिवसीय शारदीय नवरात्रि को लेकर मध्य प्रदेश के बड़वाह से 3 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र में चौरल नदी के तट पर स्थित प्राचीन जयंती माता मंदिर पर नदी में बाढ़ का पानी होने को लेकर भक्तों की सुरक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करीब 400 मीटर बैरिगेट्स लगाने का कार्य सहित नव दिवसीय लगने वाले मेले की तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं। पांडवों की कुलदेवी मानी जाने वाली माता जयंती के दरबार में रविवार से भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा। माता मंदिर के पुजारी रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि माता की प्रातः आरती सुबह 5:30 के बाद व शयन आरती रात्रि 9 बजे तक संपन्न होती है। चोरल किनारे प्राचीन जयंती माता के मंदिर पर 9 दिन भक्तों की भीड़ अधिक होने से और चोरल नदी में पानी आने की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये बैरिकेटिंग का कार्य किया गया है, जो करीब 400 मीटर तक इसको सुरक्षा की दृष्टि से बांधा गया है और 2-3 पॉइंट हो रहे हैं उधर आगे, वहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से लोग सेल्फी ना ले, इसलिए उसे भी बंद किया जाएगा। क्या नाम आपका? मैं संतोष तिवारी। कल से माता जी के शारदीय नवरात्रा चालू है, उसकी तैयारियाँ करीब पूरी हो चुकी है। उस पर मेला ग्राउंड लगा हुआ है, 9 दिन का मेला लगेगा और एक ही के दरबार में। हालांकि मेला तो घोषित नहीं है, लेकिन भगवती मेला लगा लेती है तो आराम से मेला भी हो जाता है। और सुबह प्रातःकाल 5:30 बजे के आसपास में आरती होगी, मंगल आरती, दोपहर 9 बजे और शाम को 9 बजे से आरती।